ये है मिस्टर केएल खुराना का घर। खुराना संगीत प्रेमी हैं और कुछ अलग सा गाते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी गायकी और घर का नाम रखा है खुराना घराना। ये है इनकी पत्नी बिमला, जो हरियाणा से हैं। इनके इकलौते बेटे अजीत ने हाल ही में अपनी साउथ इंडियन क्लासमेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माधवी से शादी की है। शादी के साथ साथ इन्होंने एक नया घर भी ले लिया है। सास बहू की खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या पानी चला भी गया होगा और सास बहू को कोई फिक्र ही नहीं। ओ मैं क्या रहमान मिया, मोटर फुक जानी है खाली चल चल के। वो हमारी इंजीनियर मैडम सो रही होगी और काके की मां लगी होगी अपने पखंड पर और बिजली का बिल भुगतेगा बेचारा। अरे खुराना साहब, हमारे यहाँ पर भी यही किस्से हैं। हमारी ना बेगम सुने और ना दुल्हन। अरे जब कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता है तो ऑन ही रहता है ना, बिजली तो खर्च होती है ना। हम बताते हैं तो कोई सुनता ही नहीं हमारी। अब हम ही घर जाके अपने घर की मोटर बंद करेंगे। चलते हैं, खुदा हाफिज। रब रखा। माधवी पुत्र आयो, तुम भी है एक पराठा खाओ और तगड़ी होले। पापा आप खाइए, मैं थोड़ा उपमा बना के लाती। जरा देखो तो, महारानी ने गीजर ऑन कर दिया है। अरे अब तो इतनी ठंड भी ना सर। ये तो उसको बोलो ना ठंडे पानी से नहा दिया करे। नहा ले ठंडे पानी से। अरे हमने तो सारी जिंदगी जरा देर को एक रोड लगाकर नहाने का पानी गर्म किया सर, और उसे देखो। हेलो जीत, तुम बोलो ना अपने पेरेंट्स को, हमारा गीजर एनर्जी एफिशिएंट है। पता है आज मॉम ने क्या किया? बाल्टी में रॉड लगा के रखा। इट्स वेरी डेंजरस। तुमको मालूम जीत, स्विच ऑन में बाल्टी में हाथ डाले तो डेथ भी हो सकता है। ओए माधवी, मॉम को लगा होगा कि गीजर महंगा है और बिजली भी ज्यादा खर्च करेगा, बस इतनी सी बात नहीं, है। नहीं जीत सुनो, तुम बोलो मम्मी को हमारा गीजर पूरा पूरा दिन चल के भी एक दो यूनिट कंज्यूम करता। यू रिलैक्स यार, आऊंगा तो बोल दूंगा। ओ, मेरा बॉस बुला रहा है, बाय। हेलो जीत, फिर फोन काट दिया। अयो फिर मॉम से डर गया। बाप रे, परसों तक तो मौसम कितना ठंडा था, मार्च का महीना शुरू होते इतनी गर्मी शुरू हो गई। हाँ तो जी, दूध 50 रुपए, सब्जी 40 रुपए, अगरबत्ती। अरे दूध सब्जी के ये 50-40 रुपए के गिन रहे? अरे जब इतना महंगा एसी लाग रहा से, गीजर लाग रहा से, फ्रिज लाग रहा से, तो मोटे मोटे बिल तो आऊंगे। पापा वो सब 5-star इक्विपमेंट्स जी। यू क्या कह रही सर? मम्मी मैं बताती, 5-star इक्विपमेंट्स
फॉर एग्जाम्पल 9-star AC लगाई तो एक दिन में 9.5 किलोवाट बिजली खर्च होता और 5-star AC एक दिन में 6.7 किलोवाट बिजली खर्च करता। इतना फर्क हुआ हो बिमला जी, अपना काका फ्रिज भी कुछ ऐसा ही लेकर आया है। यस, 9-star फ्रिज एक साल में बिजली खर्च होगी 1100 यूनिट्स। हाँ, 1100 यूनिट्स रुम्बा जास्ती मम जी। वो अपना काका बता रहा था कि वो ये जो 250 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज लेकर आया है 5-star, इसके साल में 400 यूनिट खर्च होंगे। खर्चा तो अपने आप बचेगा। जब बिल आएगा तब देखा जाएगा। अयो, आई एम गेटिंग लेट। मम्मी जी, आज मेरा फाइनल इंटरव्यू है, मैं चलती मम्मी जी। ठीक है ठीक है पुत्र जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा जी। है मैं क्या बिमला जी, आ देखो ये देखो काका तुहाडे लिए कितना महंगा LCD टीवी लेकर आया है। अरे उसमें पिक्चर भी तो कितनी अच्छी दिखती है। है 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 है। ओ मैं क्या, बेटे ने ऐश करा दी तुम्हारी, इस पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तुमने? अरे मेरा बेटा मने इस उम्र में इतने सुख दे रहा है, तुमने बढ़िया ना लग रहा? अरे तुमने तो मने सारी जिंदगी पंखे के नीचे ही सुलाया। क्यों, कूलर नहीं क्या? कूलर? अरे बरसात में तो वो भी काम ना करे। ओए बागवाने, साडा बरखुरदार बड़ा ही होनहार है, पहली तनख्वाह पर तुम्हें मिक्सी ला कर दी थी। अरे तो तुम क्या चाहो सो कि मैं आज भी सिलबट्टे पे ही पुदीना घिसू? अरे जब मेरे बेटे ने मुझे कपड़े धोने की मशीन ला कर दे दी तो क्या मैं आज भी हाथ से ही धोया करूं? बात बहुत दुख रहा है, चल के थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। मेरी बिमला के नखरे सबसे वक्रे, मैनू तलबा दीदार दी या। क्या पापा वो लेटर बॉक्स में बिजली का बिल था? अयो, अरे इतना ज्यादा बिल। ओए होए, जब दो दो टीवी चलाओगी, गीजर और एसी चलाओगी, मिक्सी और वॉशिंग मशीन चलाओगी तो बिजली का बिल तो इतना आएगा ही। अरे लेकिन जब हम पहले वाले घर में रह रहे थे वहाँ तो इतना ना होता। ओए कर्मा वालिए, वो तब तो घंटों बिजली नहीं होती थी और हमारे पास बिजली का इतना सामान ही नहीं होता था। ये सारा सामान तो साडा काका ला रहा है। वैसे बिजली का बिल तो और भी आ जावे अगर मैं ना ध्यान दूं तो। अरे तुम टीवी ऑन किया और बैठे बैठे यहीं से स्विच ऑफ कर दिया। अरे मैं ही हूँ जो वहां जाती हूँ, जाकर बंद करती हूँ बटन। अरे देखो बेवजह पंखा चल रहा है। अरे मैं ना ध्यान दूं ना तो सब कुछ बर्बाद हो जावे। अरे मैं ही हूँ जो बिजली की इतनी किफायत करूँ सो। अब जाऊंगी मैं ही बंद करने जाऊंगी। यो क्या हो रहा है? तेरी बहू कहती है बल्ब बदल दो। क्यों, फ्यूज हो गया के? मम्मी मैं नया CFL लैंप लेके आई। कितने का सर? 110। 110 रुपए का। मम्मी बिजली कम खर्च करेगा। अरे 110 रुपए फूके आई है और कह रही है कम खर्च करेगा? ओए बिमला, इस बल्ब के मुकाबले ये CFL 75% बिजली कम खर्च करता है। ना ना ना, पुराना वाला ही लगा। मुड़े पापा ये चेयर के ऊपर स्टैंडिंग। क्या हो रहा है? जीत मम्मी ना CFL लैंप भी लगाने नहीं देती। देखो तो मैं तो इतनी एनर्जी सेविंग कर रही हूँ। बोलो ना, मैं एनर्जी से तो सही। एक मिनट। हेलो काकी। हाँ मम। बेटा देख तो तेरी बहू ना 110 रुपए फूक के आई है। अच्छा? और कहती है कम खर्च होएगा। ओ ले बिमला मेरे को फोन दे। ओ मैं कह रहा हूँ मेरे को दे। अरे ओ काका जी, तुसी बड़े वक्त ते फोन कीता। ओ भी तेरी वोटी कहती है CFL लगाओ और बिजली का बिल कटाओ। ओ तेरी माँ कहती है 10-15 रुपए वाला लगाओ पुराना। ओ ये दोनों के बीच में फंस गया कीमती लाल कुराना। पापा वो बॉस बुला रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ।
हेलो जीत, फिर फोन काट दिया। मम्मी सीएफएल लैंप बिजली कंजप्शन कम करता, 10-13 टाइम जास्ती चलेगा और पूरा एक साल तक ये सीएफएल चलेगा। पापा ना ना, मैं तो यही लगाऊंगा। अरे मेरी तो अब इस घर में चल रही ना से, अरे जब से ये बहू घर में आई है ना, मेरी तो कोई सुनता ही ना से। मैं तो चली अपनी बहन उर्मिला के घर। मम्मी, यो अम्मा। बल्ब 60 वाट का, सीएफएल 15 वाट का, दोनों बराबर की रोशनी देते हैं। जब वाट कम तो कंजम्पशन कम, कंजम्पशन कम तो बिल कम, तो फिर यही सीएफएल लगाता हूं। जीजी जरा ध्यान से, ये रोज का काम से। जीजी हाँ। ये लाइट कितनी देर के लिए जाओ से? यो पूछ कितनी देर को आओ से, गई रहे। अरे हम तो भूल भी गए कि कभी हम भी रोशनी खाते मोमबत्ती जलाओ थे। थकी दिख रही, चल ना दो ले, मैं रोटी का इंतजाम करूँ सु, हाँ फिर सुबह घूमन उमन जाएंगे। ठीक से चल। गड्डी आती होगी, तब तक यो पी ले, ले। लेती हूँ लेती। आज तो मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली थारा खातर। अरे जी। गड़ा चौखा लाग रहा से थारा आना। जी तो है। घूमने जाएंगे। हाँ। जीजी तुमने वो गाना याद से? कौन सा? अरे वो जो तुम शादी ब्याह पे गाया करती थी, दरिया पुराना होय खड़ी मैं बिजू बाग मेरी। अरे वाह जीती, तुम तो घना चोखा गाओ सो। कड़े अब तो आवाज ही ना है। अरे ना जीजी ऐसा ना कहो, कितना अच्छा गाया तुमने। बाहर कितनी गर्मी है और अंदर लाइट भी नहीं है। अरे जीजी तुम्हारे यहाँ तो बिजली बहुत कम आवे से, तो बिल बहुत कम आता होएगा ना? किसने कह दी? यो देख आज देना साहब, यो स्कूल से भिजवाऊंगी। यो देख, यो यो कम से। देखा जाओ तो जीजी के बिजली के बिल के मुकाबले मारा बिल तो कम आवे से। मारे तो मोटा मोटा पूरा बकत लाइट रहे से, पर जीजी के यहाँ तो घणी चाव से। मारे धोरे सब से एसी से, बड़ा वाला फ्रिज से, गीजर से, और क्या कहने ओवन भी से गर्म करना खातर, सब कुछ से। पर हमने तो बहुत ही होशियारी की से के सब कुछ सस्ते में ले लियो पुरानो। मारे तो फ्रिज एसी गीजर सब नए और 5 सितारे वाले से, तो काका वो ठीक ही कहवे थे। मतलब सीएफएल वाली बात पर मैं यूं ही झगड़े आई। जीजी काका और बहू कहवे थे कि बाजार में ऐसे उपकरण मिले जिनमें बिजली बहुत कम खर्च होवे से। हाँ, पर जीजी 20 साल पहले थोड़ा ज्यादा लागे से। अब सो तो मारे तोरे कोना, इसलिए तो हमने सस्तो वाला लिया पुराना। अरे जीजी चिंता काहे करो सो, क्रेडिट कार्ड और किस्तों में सब कुछ मिल जावे से। देखेंगे। लो गाड़ी आ गई। ये लो जीजी, इसको संभाल के रख लो।
चल चल। अभी तो काके के आने में टाइम है, हाँ तब तक एफएम सुनते हैं। थैंक यू बेटा। कहाँ जा रही है? बैठ पुत्र, यही पी ले। पापा वो बोल बोल। मुझे डर लग रहा पापा। डर? डर किस बात का पुत्र? पापा जीत आएगा, मम्मी के बारे में पूछेगा, तुम क्या बोलेंगे? जीत गुस्सा होगा पापा। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? मैं बैठा हूँ ना, मैं बताऊंगा उसको सारी बात। तू बेटा बैठ के चाय पी। है? लगता है काका टाइम से पहले ही आ गया। अरे खुराना साहब, भाभी जान का कुछ तो ख्याल किया करो। ओ, अकेले अटैची उठा के आ रही थी। ओ, आओ रहमान मियां बैठो, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, अभी चलता हूँ, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। ठीक है, अभी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, आप वापस आ गए। आप जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। मैं अभी अभी सीएफएल चेंज करती, वहाँ पे बल्ब लगाती। मम्मी मैं अभी रहन दे, रहन दे। नहीं मम्मी, मैं सीएफएल चेंज करती। ना बेटा रहन दे। पर बिमला जी, ये सीएफएल लैंप तो 110 रुपए वाला है। अरे तो क्या होया, बिजली का बिल तो कम आओगा ना। अरे मेरी बहू भी इंजीनियर से, बेटा भी इंजीनियर से, दोनों बहुत समझदार से। हाँ जीत। जिंदा रहे काके, जिंदा रहे। पर जीत भी आ गया, जीत की माँ भी आ गई, और हम सब की राय भी एक हो गई, और एक हो गया खुराना घराना।